तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम मौजूद हैं कराची ज़ू में एलिफेंट के इनक्लोजर में, यानी हाथी के घर में। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कराची के चिड़ियाघर में पाकिस्तानी हाथी मधुबाला, जो कि चार हाथियों में से एक हाथी है, उसकी रूट कैनाल की जा रही है, वो भी खड़े होके, यानी स्टैंडिंग ऑपरेशन हो रहा है। और ये बैनुल्अक्वामी डॉक्टरों की टीम अंजाम दे रही है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि हाथी दांतों के दर्द और इन्फेक्शन में मुबतला है। पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में इजाज़त दी थी और ये ऑपरेशन कर किया गया। चार अफ्रीकी हाथी जो कि कराची में, दो सफारी में और दो कराची ज़ू में मौजूद हैं, उनकी सेहत का जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये बात पता चली कि ये इस किस्म के इन्फेक्शन में मुबतला हैं, लिहाजा इनका इलाज किया जाए। फैसला जानवरों के हकूक़ की एक तंजीम की जानिब से अदालत में जाने के बाद किया गया, जब एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें कराची में सफारी पार्क में वाकई दो जानवर जो मौजूद थे, उनकी में से एक पाँव के दरारे वगैरह दिखाई गईं और उसकी तकालीफ दिखाई गई। इस मकसद के लिए कराची ज़ू में एक ऑपरेशन थिएटर सेट किया गया और ये सब सेटिंग हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ऑपरेशन भी हुआ, वो भी हम आपको इसमें बताते हैं। तो आइए हमारे साथ जानिए मज़ीद रिपोर्ट। जानवरों की ये तंजीम वयाना में कायम फलाह बहबूद की एक तंजीम है, फोर पॉज के नाम से, जिन्होंने जानवरों यानी हाथियों का मुआयना किया और उनके दांतों का शदीद इन्फेक्शन का भी उनको पता चला। इस सिलसिले में मधुबाला हाथी का पहला ऑपरेशन किया गया, जो कि ख़ास तरीके से किया गया। इस सिलसिले में चार डॉक्टरों की एक टीम थी, जो डॉक्टर अमीर खलील ने की क़यादत में की गई थी, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। रिवायती नुक्ता नज़र के बजाय फोर पास टीम ने एक कम नागवार बल्कि एक मुनफरद टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कराची के चिड़ियाघर के हालात को भी देखना बहुत ज़रूरी था और उसकी सूरत हाल और सहूलियात को भी देखना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने इस मकसद के लिए दांतों के दीगर आलात के साथ साथ ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई कुछ मशीनें इस्तेमाल की और इस तरीके से इस पूरे मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर खलील ने बताया कि इन हाथियों के दांत टूट गए थे और ज़ख्मों के अंदर के टिश्यूज़ सूजन और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये सूरत हाल हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि इलाज के बगैर जो सोजिश फैल सकती थी और अंधापन भी आ सकता था, दिमागी ताकत को भी नुकसान पहुंच सकता था, जो बिलाखिर उनकी मौत का सबब बन सकती थी। इसलिए हाथियों को स्टैंडिंग कंडीशन में उनका ऑपरेशन किया गया, मुर्दा टिश्यूज़ को निकाला गया, रूट कैनाल की गई, साफ सफाई हुई और मुकामी देखभाल करने वालों को ये अमल सिखाया भी गया, ताकि वो बाकायदगी से फ्लैशिंग करते रहें और मज़ीद सोजिश वगैरह रोकने के लिए ज़ख्मों को कैसे साफ़ किया जाए, ये सब कुछ बताया गया। हाथियों की बहाली के लिए अच्छे नतीजे की तवक्को रखते हैं वो, और उनकी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत अहम कदम था। मधुबाला, जिसकी उम्र 17 साल है, इस इलाज से, इस ऑपरेशन से उसको ज़िंदगी एक नई हासिल हुई और इस तरीके से वो अब आम तौर पर खाना खा सकेगी और इसको कभी भी मज़ीद शदीद कोई दर्द नहीं होगा, जिसने पिछले कई सालों से इनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया। डॉक्टर थॉमस हेल्डब्रेंट लेबेंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, जिन्होंने डॉक्टर फ्रैंक गॉर्टर के साथ सर्जरी की।
उनका कहना यह था कि मस्कन दवा के ज़रिए खड़े होकर ये एक इंतहाई मुनफरद तरीका है। इस ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ डिवाइस नई ईजाद की गई और इनकी तैयारी में तकरीबन 3 महीने का अरसा लग गया। हमें पता है कि दांतों के अंदर कैसे नज़र आते हैं, उन्होंने ये सब कुछ ऑपरेशन करने के बाद बताया। डॉक्टरों की टीम का ये भी कहना था कि चूंकि सफारी पार्क में जगह बहुत ज़्यादा है और बड़ी है, जबकि कराची ज़ू में जगह बहुत कम है हाथियों के लिए, लिहाजा यहाँ से दोनों हाथी सफारी पार्क में मुंतकिल कर दिए जाएं ताकि वहाँ बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। तो वीडियो आखिर तक देखिए, कमेंट ज़रूर करें, जब पसंद आए तो शेयर करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।